एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद गाजियाबाद के ब्लॉक मुरादनगर में स्थित खोराजपुर विहंग गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। लगभग 2000 की आबादी व 1500 वोटरों द्वारा सरताज अली को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 240 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर और प्राइमरी पाठशाला में लगभग 243 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 46 हैंडपंप लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर, 16 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 18 सीसी टाइल्स रोड, 2 खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 85 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान खोराजपुर विहंग सरताज अली की उपलब्धि में यही जो आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, इधर प्राथमिक विद्यालय है, इस साइड में जूनियर हाई स्कूल है। इस जूनियर हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे करीब 1 मीटर गहरा था। अब से पहले पूरी बरसात पानी भरा रहता था, बहुत अव्यवस्था थी। स्कूल में आने के लिए गेट पे से ईंट रख रख के उन पाते थे। बच्चों की भी बड़ी परेशानी थी। सबसे पहला काम प्रधान का ये है कि यहाँ लगभग 1 मीटर भराव कराया। उसके बाद इंटरलॉक जो आप देख रहे हैं ये सब इंटरलॉक कराए। अब जूनियर प्राथमिक विद्यालय में पुताई का काम चल रहा है। ये एक कमरा है जो अब निर्माणाधीन है और ये संभवतः 2 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 2 तारीख में स्कूल खुलेंगे ये पलस्तर हो जाएगा। मैं सरताज अली, ग्राम प्रधान खोराजपुर भीम, विकासखंड मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद। प्राइमरी व जूनियर स्कूल में हमने फर्नीचर बनवाया, बच्चे पहले नीचे बैठते थे। आंगनवाड़ी केंद्र के हमने बहुत ही सुंदर पेंटिंग कराई है, जिसमें हमें डीएम मैम ने बुला के स्पेशल शाबाशी दी और हमें काम भी दिया गाजियाबाद में करने के लिए। विद्यालय में हमारे प्राइमरी और जूनियर 2-2 विद्यालय हैं, इनमें हमने मिट्टी का भराव कराया, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई, टॉयलेट ब्लॉक्स बनवाए, हमने गांव में 2 कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल कराई और 47 स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, 16 सोलर लाइट लगवाई हैं, 3 पुलिये बनवाई, 18 गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई, 23 गलियों में RCC कराई है, 2 गलियों में खरंजे लगवाए हैं। प्राइमरी स्कूल में एक कमरा का निर्माण कराया है। हमें अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें हमें एक बारात घर चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है ग्राम खोराजपुर में, आबादी 1500 से भी ज़्यादा है और भीहिंग में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, भीहिंग में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्रों का सहायिका नहीं है, एक कब्रिस्तान की 4 दीवारी अभी होनी है, दोनों गाँवों में शमशान घाट में शमशान के लिए व्यवस्था होनी है, उनका सौंदर्यकरण होना है और भीहिंग गाँव का तो पानी पीने योग्य नहीं है। भीहिंग गाँव में जल्दी से जल्दी पानी की टंकी की व्यवस्था होनी जरूरी है और दोनों गाँवों में 15 सोलर लाइट और 20 स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, फोगिंग मशीन की ज़रूरत है, सभी हैंडपम्प रिबोर होने की ज़रूरत है और भी बहुत सारे कामों की ज़रूरत है। और प्रशासन जो है LMC वगैरह ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जे हैं, उसमें कोई मदद नहीं कर रहा। मैं 2 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। पटवारी कानून स्तर तक के अधिकारी आते हैं, ले जाते हैं, कोई उसमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा प्रशासन की तरफ से, तो ये सब सारी दिक्कतें हैं। इस विषय में हम DM मैम से भी मिलने का विचार बनाया हुआ गांव के साथ में, तो चल रही है मेहनत गांव के विकास के लिए।